الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अहतरम बरदरान अहले सुन्नत काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हुसूल बरकत के लिए आइए मुराद मिलकर इंतहाई अदब एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ हम सब के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर कल्ब व सीना रहमतुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बारगह बेकसपना में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअनिल जूदी वल करम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। नमाज के मुताल्लिक एक अहम मसला जिसको कई बार कुछ लोग पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि इसको सबके सामने अर्ज़ कर दूं ताकि मालूमात में इजाफा भी हो जाए। चार रकात वाली नमाज, फ़र्ज नमाज जब अदा की जा रही हो तो उसमें दो रकात पर जो कायदा होता है जिसको कायदे उला कहा गया, अत्तहियात पढ़ी जाती है, तो कायदे उला अगर भूल गए, सीधे खड़े हो गए तो क्या हुक्म है? यूँ तो जितने भी वाजिबात हैं यानी नमाज के अंदर जो वाजिब हैं, अगर वाजिब छूट जाए तो आखिर में सजदा सहु कर लेने से नमाज हो जाती है, तो ये कायदे उला भी वाजिबात में से है। एक वाजिब है, अगर भूल करके कायदे उला करना छोड़ दिए, कायदे उला ना किए, खड़े हो गए, तो अब वापस आने की ज़रूरत नहीं। इसमें ये चीज़ काबिल गौर है कि अभी उठने ही जा रहे थे, याद आ गया तो फौरन बैठ जाएं, क़याम के करीब नहीं हुए बल्कि अभी बैठने ही के करीब हैं, उठने ही जा रहे थे, याद आ गए, बैठ गए, अब सजदा सहू की ज़रूरत नहीं। असल सवाल यहाँ पर यही है कि भूल करके खड़े होने जा रहे थे लेकिन याद आया, फौरन बैठ गए, तो क़याम की तरफ नहीं गए थे बल्कि अभी बैठने ही की सूरत है, तो अब इसमें बैठ गए तो उसमें सजदा सहू की ज़रूरत नहीं है, नमाज मुकम्मल कर लें। लेकिन अगर क़याम के करीब आ गए, खड़े होने के करीब आ गए, तो अब वापस आने की ज़रूरत नहीं बल्कि खड़े हो जाएं और अपनी नमाज मुकम्मल कर लें, आखिर में सजदा सहू कर लेंगे, नमाज हो जाएगी। अगर इमाम से ऐसा सहू हो जाए, अगर इमाम से सहू हो जाए यानी कायदे उला में इमाम बैठना भूल गए और खड़े होने जा रहे हैं, फौरन अगर किसी ने लुक्मा दे दिया, यूँ तो जो पीछे हैं उनकी ज़िम्मेदारी के फौरन लुक्मा दे दें कि वो खड़े होने जा रहे हैं, जैसे ही लुक्मा मिला अगर वो बैठ गए तो फिर नमाज हो जाएगी, सजदे सहू की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इमाम भूल करके सहू से खड़े होने जा रहे हैं, क़याम के करीब आ गए, तो अब लुक्मा नहीं देना चाहिए। अब यहाँ जो अहम काबिल गौर मसला है वो याद रखें, इमाम अगर कायदे उला में बैठना भूल गए और खड़े हो गए, किसी ने अगर लुक्मा दे दिया तो जिसने लुक्मा दिया उसकी नमाज गई, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, उसे नमाज दोहराना होगा। इसलिए लुक्मा देने के सिलसिले में हुक्म ये है कि अभी जैसे ही वो खड़े होने जा रहे हैं उसी वक्त अगर लुक्मा दे दिए और इमाम ने कबूल कर लिया तब तो ठीक है, लुक्मा भी सही हो गया। लेकिन क़याम के करीब आ गए, अब लुक्मा देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आखिर में वो इमाम सजदा सहू कर लेंगे, नमाज हो जाएगी, तो बिला ज़रूरत लुक्मा देने की वजह से लुक्मा देने वाले की नमाज फासिद हो जाती है। लिहाजा ये लुक्मा के मसाइल में भी याद रखें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम।
على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. قرآن مقدس کی سورہ نور کی طویل آیات میں سے ایک مختصر حصہ, آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا. یہ اس کا پس منظر اور اس کا پیش منظر پیش کرنے سے پہلے بطور تمہید چند جملہ چند کلمات ہی عرض کروں گا کہ مذہب اسلام میں ہمارے مقدس دین میں جس چیز کو حرام یا ناجائز قرار دیا گیا وہ وہی چیزیں ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں. اب ان کی اگر آپ لسٹ تلاش کریں گے, فہرست تلاش کریں گے کہ جو چیزیں ناجائز ہیں, حرام ہیں, کیوں ناجائز کرا گیا, کیوں حرام قرار دیا گیا, اس عنوان کو ذکر کرنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں لوگ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے ہیں, گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں, عیب کو عیب نہیں سمجھ رہے ہیں, بلکہ گناہ کو بھی خوبی سمجھا جا رہا ہے. ایک گناہ کو, ایک حرام کو فیشن سمجھ کر کے لوگ اس کو اپنا رہے ہیں, جبکہ ہر مومن, ہر مسلمان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ ہمارے حق میں ہر اعتبار سے نقصان دہ ہیں, دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے, وہاں دیکھا جائے گا, تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے اور بڑے دھوکے میں ہے. اس لیے کہ جس چیز کو حرام قرار دیا گیا, جاننے کے بعد بھی اگر اس کو حرام نہیں سمجھتا ہے, یا معاذ اللہ اگر اس کو حلال سمجھ کے کرے, تب تو پھر وہ کفر میں داخل ہوگا, یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی روشنی میں, احادیث کریمہ کی روشنی میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جن چیزوں کو حرام فرمایا انہیں حرام جاننا بھی ضروری ہے. اگر کسی حرام کو حلال کہتا ہے تو پھر یہ استحلال کفر ہے اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بت پرستی ہی کی وجہ سے کافر ہوتا ہے, لیکن یہاں انکار حرام و حلال بھی کفر میں ہے. تو کسی چیز کو حرام کیوں کہا گیا ہے, اس کی ایک مستقل ایک طویل بحث ہے, میں چند جھلکیاں اس کی آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. لیکن کیوں حرام کیا گیا اس کا جاننا ضروری نہیں, مگر پھر بھی خدا داد علم کی روشنی میں اکابر علماء نے اور فقہا نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما دیے, اور اگر ان کو بھی جان لیں تو زیادہ بہتر بھی ہوگا تاکہ اس سے مزید اس سے بچنے میں مدد حاصل ہو سکے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, یوں تو ہر مسلمان کو دل سے اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام فرمائی وہ حرام ہے. کوئی دنیا کی طاقت اسے حلال کرنا چاہے تو ہم اسے حلال نہیں سمجھ سکتے, یہاں تک کہ ہمارے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ ہم کو کوئی اختیار دیا گیا ہے. یعنی دین کے علماء کو یا مفتیان کرام کو یا فقہا کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام فرمایا اسے کوئی حلال کر سکتا ہو. حرام کردہ اشیاء کو حلال کوئی نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ قیامت تک کے لیے وہی حکم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب اس کے رموز و نکات, اس کی باریکیاں, اس کی حکمتیں کہ کیوں حرام فرمایا گیا ہے, اگر بندہ کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے اس کا بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. ان کے وجوہات کیا ہیں, اب ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر رہا ہوں. شراب ہمارے مذہب اسلام میں حرام ہے, شراب کے حرام ہونے کا سب کو علم ہے, سارے مسلمان جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے, سخت حرام ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے, ذکر ہے,
और हदीसों में भी इसका जिक्र है और तमाम फुकहा उलमा सब इस बारे में बयान फरमा चुके हैं कि ये हराम है। लेकिन इसके वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, क्यों हराम किया गया, इसके पीछे क्या राज है, इसकी हिकमतें क्या हैं, अगर बंदा जानने की कोशिश करे तो आप इस बारे में अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर सकते हैं। चूँकि आज का दौर रिसर्च का दौर है, तहकीक का दौर है और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में रिसर्च किया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस्लाम की हराम करदा चीज़ों में भी आप रिसर्च करो। यकीनन ईमान की रोशनी में अगर आपने रिसर्च करना शुरू किया तो आपको उसकी बुराइयां और उसकी खराबियां सामने नज़र आएंगी। शराब के हराम करार देने की वजूहात बहुत सारी हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानी दिमाग को वो तबाह कर देता है। ज़हनो फिक्र की जो एक बेहतरीन कुव्वत है जिसकी वजह से इंसान बड़े बड़े अच्छे काम अंजाम दे सकता है और एक इंसान पूरी दुनिया में अमन का माहौल कायम कर सकता है, वो सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ये शराब की हुरमत, शराब के हराम होने के पीछे अगर राज क्या है जानना चाहें तो आप इसकी तहकीक करके देखें, रिसर्च करें और लेबॉरेटरी में भी अगर इसको चेक किया जाए तो वाकई इंसाफ पसंद तहकीक करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स ये कहने पर मजबूर होंगे वाकई ये दिमाग को ख़राब करने वाली चीज़ है। मगर अफसोस ये है कि लोग शौक़ से उसको पी रहे हैं, बड़े शौक़ से उसको हासिल कर रहे हैं, बल्कि आज के दौर में तो एक फैशन बन गया है, ख़ास तौर पर बड़े घरों में और अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। और अगर कोई उनके दरमियान एक शख्स अगर नहीं पीता है तो उसे ऐब की निगाह से देखा जाता है, अरे तू मर्द नहीं है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस चीज़ को शरीयत मुतहरा में हराम करार दिया गया है वो हर एतबार से नुकसानदेह है। अब उसके जिस्मानी नुकसानात का आप अंदाज़ा लगाना चाहें और जिस्म के लिए, हेल्थ के लिए कितने उससे मुज़िर असरात पड़ सकते हैं, आज किसी अच्छे डॉक्टर से आप पूछिए कि शराब के मुज़िर असरात कितने हैं, डॉक्टर साफ कह देगा कि वाकई इसकी वजह से जिस्म के जो मेन आज़ा हैं, मेन पार्ट्स हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। दिल भी ख़राब हो जाता है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और लीवर ख़राब हो जाता है, जो मेन पार्ट्स हैं, मेन आज़ा हैं, उनके अंदर काम करने की सलाहियत ख़त्म होती है। गोया इंसान अपनी ज़िंदगी को तबाही के दहाने पर पहुँचा रहा है। बाप बताइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितना अजीम पैगाम अता फरमाया कि वो चीज़ क्यों इस्तेमाल करो जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, वो चीज़ क्यों इस्तेमाल करो जो तुम्हारे अक्ल को माउफ करने वाली हो, तुम्हारे ज़हन दिमाग को ख़राब करने वाली हो। लिहाजा अगर इसी तरह से आप खिंजीर के गोश्त के बारे में, खिंजीर सूअर जिसे कहा जाता है, ये नजसुल ऐन यानी हमारे मज़हब इस्लाम में ये सख्त हराम है, उसका हर जुज़ नापाक है। नजसुल ऐन का मतलब नहीं पुकम्मल नापाक है, बाल बाल नापाक है। लिहाजा उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल करने की इजाज़त शरीयत मुतहरा में नहीं है, जो हराम है वो हराम है। अब ये एक मुस्तकिल बहस कई दिनों से चल रही है कि बहुत सारी चीज़ों में उसके अज्ज़ा इस्तेमाल की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनको मिक्स किया जा रहा है, मिलावट की जा रही है। इस सिलसिले में हमारे तमाम फुकहा का इत्तेफाक हुक्म यही है कि जिस चीज़ के बारे में यकीन के साथ ये मालूम हो जाए कि इसमें हराम चीज़ मिली हुई है, उसका इस्तेमाल हराम है, उसका इस्तेमाल नाजायज़ है, उसे छोड़ देना चाहिए और उससे बचना ही हमारे हक में बेहतर है। क्योंकि हराम जुज़ एक भी जुज़ यानी एक छोटा सा हिस्सा हमारे बदन में जाता है तो उसकी वजह से 40 दिन तक हमारी इबादत कबूल नहीं होती, दुआ की तासीर ख़त्म हो जाती है, दुआ कबूल नहीं होती है। इसीलिए हराम से बचने की बड़ी ताकीदात आई हैं कुरान मुकद्दस में, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, आप कई मकामात पर इस बात को देख सकते हैं कि जो चीज़ें हराम हैं उन्हें बड़े ताकीद के साथ फरमाया गया। शराब हराम है, जुआ हराम है, सूद हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, जो चीज़ें हराम थी उन्हें कुरान मुकद्दस में साफ तौर पर बयान कर दिया गया। लेकिन आज बहुत सारी कौमें, ख़ास तौर पर यहूद नसारा, मुसलमानों को इस्लाम के इस अजीम हुक्म से दूर करने और दीन से दूर करने के लिए हराम चीज़ें खिलाने पर पूरी तरह से आमादा हैं और कोशिश में लगे हुए हैं।
इससे हम सबको आगाह होना, बेदार होना ज़रूरी है, इसलिए कि हमारी ग़िज़ा का एहतमाम ये हमें करना है, हमारी जिस्मानी सेहत का एहतमाम हमें करना है, हमारी अक्ल की हिफाजत हमें करनी है, और हमें अपने ईमान की हिफाजत हमें खुद करनी है। अगर हम इस सिलसिले में कोशिश नहीं करेंगे तो इधर जिस्मानी सेहत भी ख़राब होगी, दिमाग भी माफ हो जाएगा, अक्ल माफ हो जाएगी, और साथ ही साथ ईमान तबाह हो जाएगा, ईमान ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि फिर शराबी के ज़बान से क्या निकल जाए वो कुछ बोल नहीं सकते। शराब के नशे में इंसान क्या क्या बोल जाता है, कैसी कैसी हरकतें करता है, कितनी ज़िल्लत रुसवाई होती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक शख्स जब शराब के नशे में निकलता है तो शराब के नशे में वह गाली भी देता है। आलम यह है कि अगर माँ बाप भी सामने हो तो उसे माँ बाप का एहसास भी नहीं होता, माँ बाप को तक गाली देने पर आमादा होता है। इससे बड़ी बुराई और क्या हो सकती है। तो ये शराब हराम होने की वजूहात अगर आप तलाश करें, और मज़ीद आपको वजूहात हासिल हो सकती हैं और इसके असबाब हासिल हो सकते हैं। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे मुक़द्दस दीन, दीन इस्लाम में जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है वो हर एतबार से हमारे लिए नुकसानदेह हैं, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, आखिरत के एतबार से, हर एतबार से हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और उससे हमें बचना ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आज के इस माहौल के एतबार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे दरमियान फैलाई जा रही हैं, हराम चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को मज़हब इस्लाम में हराम करार दिया गया, आज बहुत सारी हुकूमतें जोर दे रही हैं कि इसको करो, और इसकी तरफ लोगों को आमादा कर रहे हैं, पूरी तरह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये बता करके मैं आपको इस सिलसिले में बेदार करना चाहूँगा कि ये आज से नहीं, सदियों से कोशिश हो रही है, सदियों से ये कोशिश जारी है। ईमान वालों के दरमियान, हक पर कायम रहने वाले और हक पर चलने वालों के दरमियान इस बात की हमेशा से कोशिश होती रही है कि इनके दरमियान हराम चीज़ों को फैलाया जाए, इसलिए कि जब हराम चीज़ों में मुब्तला हो जाएंगे, दीन से दूर हो जाएंगे, और जब दीन से दूर हो जाएंगे तो इनका ईमान ही ख़त्म हो जाएगा। शैतान का एक सबसे बड़ा हरबा यही है। तो शैतान हराम चीज़ों को हमारे दरमियान फैलाने के लिए ऐसे ऐसे मुहरिकात इस्तेमाल करता है, ऐसी तहरीकें, ऐसे अफराद को वो आमादा करता है कि हमारे दरमियान आ करके वो हराम चीज़ों को फैला करके चले जाते हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता है, हम फिर उसको करते लगते हैं। आज हमारी कौम के अक्सर बच्चे, बच्चियाँ बहुत सारी वो चीज़ें जिनको शरीयत मुतहरा में हराम करार दिया गया बड़े खुशी से कर रहे हैं, फैशन के तौर पर कर रहे हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि हम मुसलमान हैं और इनको नहीं करना चाहिए, एहसास नहीं है। अफसोस ये है कि जिस चीज़ को हराम और नाजायज और गुनाह कहा गया है शरीयत मुतहरा में, आज मुसलमान उसे गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुसलमान ही उसको गुनाह न समझे तो फिर कौन उसको गुनाह समझे। दूसरी कौमों में तो इसका कोई एहसास नहीं है, उनके यहाँ तो यह है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगे उसे करना है। दुनिया की सारी कौमों का यही हाल है, वो ये कहते हैं कि हमको जो चीज़ अच्छी लग रही उसे करना है, उनके यहाँ हराम हलाल की तमीज़ का कोई एतबार नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है, और साथ ही साथ उनके यहाँ आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं है, सिर्फ दुनिया है, दुनिया में जो कुछ करना है करके मर के चले जाओ, उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन मोमिनों को इस बात का इल्म है, ईमान है इस बात पर कि मरने के बाद हिसाब देना है, कब्र की मंजिल भी है, आखिरत की मंजिल है, हिसाब किताब है अल्लाह की बारगाह में, वहाँ पर पूछा जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हराम चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, और साथ साथ अपनी औलाद को, घर वालों को इस बात की ताकीद करें। कभी कभी हम अपनी औलाद की खुशी के लिए खामोश हो जाते हैं, ये सोचते हैं अरे बच्चे हैं कर लेने दो, बच्चे हैं कर लेने दो, ये औलाद की खुशी के लिए हम खामोश हो जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए खामोशी इंतहाई ख़तरनाक है, हमारी खामोशी ये उनकी तबाही तक पहुंचाने का सबब बन सकती है। और मैं देख रहा हूं जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हराम करते हुए देख करके सिर्फ अपनी औलाद की खुशी के लिए खामोश रह गए, आज वो बहुत बड़े बड़े हराम काम में मुब्तला हैं, और माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। बचपन ही में उन्हें अगर ताकीद कर दी जाती, बचपन ही में उनके जहन व फिक्र को संवारा जाता, बेटा ये हराम है, इसको करना ही नहीं है, लिहाजा अगर उसी वक्त से उनका जहन साफ हो जाता, फिर बड़े होकर के किसी हराम चीज़ की तरफ उनका कदम न उठता,
फिर उनकी जिंदगी को देख करके हमारी आंखें ठंडी होती हैं। आज बहुत सारे माँ बाप हमारे सामने आकर के खून के आंसू रोते हैं और दर्द का इजहार करते हैं कि बड़ा अफसोस है कि हमारी औलाद हराम कामों की तरफ माइल हो गई है, हम बचा नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं क्यों नहीं बचा पा रहे हैं आप? वक्त था तब आपने नहीं बचाया। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में इस पर भी पुरसिश होगी, पूछ होगी, पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की तरबियत के लिए क्यों कोशिश नहीं किया। इसलिए आज औलाद की तरबियत के हवाले से हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो माहौल में बुराइयां चल रही हैं, हराम चीज़ों को फैलाया जा रहा है, उनसे बचाने की कोशिश करें। अब आइए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने इसके हवाले से क्या इरशाद फरमाया, ज़रा इस पर भी गौर करें। रब कदीर जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, इन्नल लदीना युहिब्बून अन तशीअल फाहिशा फिल लदीना आमनू, बेशक वो लोग जो बेहयाई को, बुराइयों को, जराइम को फैलाना चाहते हैं, युहिब्बून अन तशीअल फाहिशा, पसंद करते हैं कि फाहिशा फैले, बुराइयां फैले, बेहयाई फैले, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लहुम फिद दुनिया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए बहुत ही खतरनाक अजाब है फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा यहाँ पर साफ तौर पर अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया, वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो कि हराम चीज़ों को, नाजायज करदा चीज़ों को, बेहयाई और बुराइयों को फैलाना कितना बड़ा जुर्म है। आज हर मुसलमान इस बात को जान ले तो मैं यकीन के साथ कहूँगा कि हमारा मुआशरा पाक साफ हो जाएगा, माशरे से सारी गंदगियां और बेहयाइयां दूर हो सकती हैं। लिहाजा हर मुसलमान को यह जानना जरूरी है कि यह बेहयाई है, यह गुनाह है, यह बुराई है, लिहाजा इससे हमें बचना है और उसको दूर करना है। और अगर कोई फैलाने पर खुश हो रहा है, पसंद कर रहा है, तो उसके लिए अजाब है। अब आइए इस लफ्ज़े युहिब्बूना पर जो कुरान करीम की तफसीर में मुफसरीन इकराम ने बड़ा अजीम नुक्ता बयान फरमाया है कि युहिब्बून जो फैलाने को, यानी मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर बेहयाई और बुरी बातों के फैलने को पसंद करते हैं, तो एक तो जो फैला रहे हैं वो भी, और एक जो उनके फैलाने पर खामोश हैं, खुश और खामोश तमाशाई बने हुए हैं या देखने पर आमादा हैं, तो वो भी इस जुर्म में शामिल हैं, इस अजाब अलीम में वो भी मुबतला होंगे। इसलिए फाहिशा यानी बेहयाई और बुरी बातों को अगर हम बंद नहीं कर सकते तो नफरत की निगाह से देखें और उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। पहले तो पूरी कोशिश ये हो इज्तिमाई तौर पर अपने हर हर गली मोहल्ले इलाके से इस बेहयाई के माहौल को दूर करने की कोशिश करना हम सब की जिम्मेदारी है। कुरान करीम की ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ज़रा आप कुरान पाक उठा करके सूरह नूर की तफसीर पढ़ो। सूरह नूर जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की शान में तौहीन और गुस्ताखी और आपके ऊपर तोहमत लगाने वालों पर अजाब का जिक्र आया, उसी में ये भी जिक्र आया कि जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि बेहयाई फैले, बुराई फैले कौम के अंदर, तो अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमाया लहुम अजाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया और आखिरत में। तो क्यों हम अपने को अजाब में मुबतला करना चाहते हैं? क्यों अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी मोल करके अपने आप को अजाब के अंदर झोंकना चाहते हैं? ज़रा इस बात का भी एहसास अगर हमें हो जाए तो मैं यकीन के साथ ये भी कहूँगा कि हमारे घरों से जो फिल्मों की आवाज़ें और फिल्में देखने का जो रिवाज है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये भी एक तरह से बेहयाई और बुराई फैलने का एक सबब है, ज़रिया है। शायद कुछ लोगों को ये गुनाह नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर ये गुनाह क्यों है। मैंने साफ तौर पर आपको यह बता दिया है कि जिस चीज़ को शरीयत मुतहरा में हराम करार दिया गया है वो हर एतबार से हमारे लिए नुकसानदेह है। तो आज ये फिल्में जो बनाई जा रही हैं जिसके अंदर डांस है, नाच गाना है, उसको लोग ये बहुत मामूली समझते हैं, ये कुछ नहीं है एक दिल बहलाने के लिए, हालांकि इसके अंदर इतनी बड़ी बुराई है कि ये चीज़ें ज़िना पर उभारती हैं। ये चीज़ें इंसान को चाहे कैसा ही कितना बड़ा परहेजगार हो लेकिन उसको जिना पर, गुनाह पर आमादा करती हैं। इसलिए शरीयत मुतहरा में इसको हराम करार दिया गया कि जो चीज़ गुनाह की तरफ ले जाने वाली है वो भी हराम है। यह हमारे मज़हब इस्लाम की एक बड़ी अजीम खूबी यह है
कि हमारे मुकद्दस दीन ने बुराइयों के सद्देबाब के लिए जड़ को ही खत्म करने की कोशिश की है। आज बड़ी हिमाकत के साथ ये लोग कहते हैं कि हम बुराइयों को रोकने के लिए पुलिस का बंदोबस्त कर दिए हैं, लिहाजा जगह जगह नाकाबंदी होती है। किस लिए नाकाबंदी हो रही है? जांच रहे हैं कि कौन शराब पी के आया है, उसको जांच रहे हैं। मैं कहूंगा इतनी बड़ी बेवकूफी है, शराब के अड्डे खोलने की इजाजत दी जा रही है और इधर शराब पीने वाले को जांचा जा रहा है, कितनी बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम्हें शराब पीने से पाबंदी लगाना है तो सारे अड्डों को खत्म कर दो और परमिशन देना बंद कर दो। ये तो अकलमंदी की बात हुई। शरीयत मुतहरा ने, इस्लाम ने इसलिए जड़ को खत्म किया कि जिसकी वजह से गुनाह फैल सकते हैं वो जड़ ही खत्म कर दी जाए। और आज हमारे मुल्क में बाजाबता लाइसेंस दिया जाता है बियर बार के लिए और फिर इधर खड़े होकर के तमाशा हो रहा है, इसमें ये फूंक करके देखो तुम शराब पी करके आए हो और उनकी जांच हो रही है, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। अकलमंदी यह है कि जिस चीज की वजह से नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है शराब की वजह से, लिहाजा शराब पर ऐसी पाबंदी आयद हो जाए कि सारी दुकानें बंद हो जाएं, बियर बार बंद हो जाएं और ये तमाशाओं के अड्डों को बंद कर दिया जाए ताकि लोगों को पीने का मौका ही ना मिले। उसके बाद फिर अगर कोई करता है तो उसको सख्त सजा दी जाए। ये इस्लामी मिजाज है, ये इस्लामी माहौल है, इस्लामी तालीमात का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है रसूल कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बरकत है मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा और पूरे हिजाज के अंदर जब इस्लामी अहकाम नाफिज हो गए। हजरत उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में आलम यह था कि शराब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती थी। शराब की दुकान तो दूर की बात है, कोई पीने वाला नजर नहीं आता था। यह इस्लामी तालीमात और इस्लामी अहकाम का नतीजा था जिसकी वजह से माहौल इतना पाकीजा हो गया था। मुअर्रिखीन तारीख लिखने वाले बयान फरमाते हैं एक पाकीजा पाक दामन औरत अपने घर से अगर कई लंबे दूर तक के लिए वो अकेली जाती तब भी उसकी हिफाजत होती थी, कोई उसे बुरी नजर से देखता नहीं था, कोई उसको गलत नजर उठा करके देखता नहीं था। यह इस्लामी तालीमात का माहौल था जिसकी वजह से औरत की भी हिफाजत हो रही थी, उसकी इज्जत की हिफाजत हो रही थी, उसके जिस्म की हिफाजत हो रही थी। आज ये रोना रोया जा रहा है कि शराब की कसरत की वजह से औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, औरतों को लोग छेड़खानी कर रहे हैं, ये नशा की वजह से और ये फिल्मों को आम करने की वजह से ये माहौल ख़राब हो रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में सख्त तंबीह के साथ इरशाद फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। अजाब से बचने की हम सबको कोशिश करना है क्योंकि हमारा जिस्म इस लायक नहीं है कि हम अजाब को सह सकें। पहली बात तो ये है अल्लाह तबारक ताला इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना मेहरबान है कि रब तबारक ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के ग़ुलामों को नहीं चाहता कि ये अजाब में मुबतला हों, अजाब में ये जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दरमियान बेहयाई फैलाने वालों के मुतालिक ताकीद फरमाई है कि उनके लिए हम अजाब तैयार रखे हैं, लिहाजा ईमान वालों के दरमियान बेहयाई मत फैलाओ क्योंकि उनकी निगाहों में मोहब्बत रसूल है, उनके दिलों में इश्क रसूल का चिराग रोशन है, उन्हें गुमराह न करो, उन्हें न बहकाओ। लिहाजा अगर इस सिलसिले में ईमान वालों के दरमियान कोई बेहयाई फैलाता है तो अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ा मुजरिम है। तो ख़ास तौर पर शराब और फिल्में, नंगी तस्वीरें जिनकी वजह से इंसान बुराइयों की तरफ माइल है, बुराइयों की तरफ जाने पर मजबूर है, उन तमाम चीज़ों पर शरीयत मुतहरा ने पाबंदी लगाई है, इनको नाजायज़ और हराम करार दिया है। लिहाजा हर मुसलमान की जिम्मेदारी, ख़ास तौर पर मैं आज अपनी कौम के नौजवानों से, बच्चों से ये गुजारिश करूँगा क्योंकि अब आने वाला दौर जो है हमारे लिए और ज़्यादा नाजुक है। हमारे दरमियान बुराइयों को, बेहयाइयों को बहुत तेज़ी के साथ फैलाया जा रहा है और अभी चूँकि ये साल के इख्तिताम का जब वक्त आता है 31st night जिसे बहुत मशहूर किया गया है जिसमें इंतहाई बेहयाइयाँ आम हो जाती हैं। पहले तो आम तौर पर लोग छुप छुप करके शराब पीते हैं, डांस करते हैं, लेकिन अब उस दिन तो ख़ास तौर पर खुल करके बुराइयाँ की जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि हज़रत मामला तो ये है कि गैर तो अपने घर में बैठ करके पी के खामोश हो जाते हैं लेकिन अपने लोग ज़्यादा सड़कों पे आके नाचते हैं,
माज़ल्लाह रब्बी, ये सुन करके मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। अगर कोई एक मुसलमान ये कह रहा है कि हमारे लोग नाचते हैं गाते हैं और रक्स सुरूद की महफिलें सजाते हैं, बाकायदा अपने घरों के सामने डीजे लगा करके नाचते हैं, मुझे इस बात का अफसोस है कि हम दूसरी कौमों को क्या कहें। आज हमारी कौम के अफराद अगर नाचने गाने पर आमादा हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, तो फिर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे। अपने मोहल्लों को इससे पाक रखो, अपने मोहल्ले से इस बात को दूर करने की कोशिश करो, कतान कतान इसका एहतमाम मत करो, इसलिए कि इस बात का अगर तुम्हें एहसास नहीं है तो मैं इस बात को पेश करके एहसास दिलाना चाहता हूं। क्या अब भी तुम्हें इसका एहसास नहीं होता है कि आज तुम नाच रहे हो, आज शराब पी करके या अपने घरों के सामने डीजे लगा करके नाचना चाहते हो और तुम्हारी मां बहनों की इज्जत महफूज नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्चे महफूज नहीं हैं और जो एक एक टुकड़े रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनका तुम्हें कब ख्याल आएगा? कम से कम उनका तो ख्याल करो। ये जो इधर नाजायज कामों में, हराम कामों में दौलत खर्च हो रही है, लिहाजा अपनी कौम के उन बच्चों के लिए जो रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो दौलत वहां पर खर्च हो जाए ताकि तुम्हारी भी हिफाजत हो जाए और अपने बच्चों की हिफाजत हो जाए। मैं खास तौर पर अपनी कौम के नौजवानों को दावत देना चाहता हूँ, आओ दीन के लिए आगे बढ़ो, बेहयाइयों और बुराइयों को दूर करके अपनी कौम को आगे बढ़ाने की फिक्र करो और तालीम की तरफ तवज्जो दो, इसलिए कि तालीम के मैदान में आगे बढ़ करके माहौल को बेहतर बनाना ये इस्लामी मिजाज रखने वालों का बहुत पुराना शिवा रहा है और आज हम उसको बहुत दूर कर चुके हैं। अब फिर से हमें उसे बेदार करना है कि तालीमी मिजाज लेकर पूरे मुआशरे के अंदर फिक्र पैदा करना और साथ ही साथ बेहयाइयों को दूर करने की फिक्र देना, ये हर एक नौजवान इसको अपने सीने में महफूज रखे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की मोहब्बत का दाइया यानी मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला वसल्लम कभी बेहयाई को देखना पसंद नहीं फरमाते थे, लिहाजा हमारे दिल में अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो हमें भी बेहयाई से सख्त नफरत होनी चाहिए, हराम चीजों से नफरत होनी चाहिए। कम से कम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा पूरा करो ताकि मैदान महशर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।